आनंद मंडी के चारों तरफ उछले हुए हैं। पूरा देश के किसानों के नजर इस आंदोलन में है, वो स्थान कोई भी हो सकता है। आंदोलन खत्म होगा ना देश आंदोलनकारी खत्म होगा, किसानों की जीत होगी और किसान सम्मान के साथ में यहाँ समाप्त हो जाए। भारत सरकार से हमारे कहीं के किसान बातचीत करना चाहता है, सरकार अगर बात करनी है तो सरकार बात कर इसको है, जो मुद्दे हैं हमारे वही हमारे मध्य रहेंगे, उन्हीं मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। ये बात कर ले ना आंदोलन खत्म होगा ना आंदोलनकारी खत्म होगा। साथियों नमस्कार। साथियों हम आज गाजीपुर में आए हैं, ये टिकैत साहब बैठे हैं और जिन्होंने बड़ा उस दिन सूझबूझ का परिचय दिया और बड़े दम से मुकाबला किया। यहाँ पे हजारों पुलिस वाले थे और दो एमएलए कई सौ अपने गुंडों को साथ में लेके आए थे और बड़ा इन्होंने दमखम से मुकाबला किया। और हम धन्यवादी हैं टिकैत साहब के जिन्होंने इस आंदोलन को जो एकदम निराशा जाग गई थी उसमें दोबारा से इसमें जान भर दी। और हम वादा करते हैं कि हरियाणा का किसान इन भाइयों के लिए जी जान से काम करेगा और कोई भी मुसीबत आए तो हम सब पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर लड़ेंगे। और टिकैत साहब जो है वो इनको आश्वासन देते हैं कि पूरा देश जो है इस आंदोलन में इकट्ठा है। एक मिनट के लिए टिकैत साहब, ये जो आंदोलन चल रहे हैं किसान क्रांति के, गाजीपुर का आंदोलन हो, भैंसा का आंदोलन हो, वो जितने भी आंदोलन हमारे हैं, सिंघू का हो, जो भी आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ उछले हुए हैं, पूरा देश के किसानों की नजर इस आंदोलन पर है। दिल्ली के आंदोलन वो स्थान कोई भी हो सकता है। हरियाणा वालों की जिम्मेदारी है, उन मुख्य बनते हैं कि जो हरियाणा की साइड में वोट लगते हैं उनको वहाँ से पीछे से बैकअप दें। उत्तर प्रदेश वाले यहाँ से बैकअप दे रहे हैं और आपस में एक दूसरे का जो तालमेल है, कहाँ किस चीज़ की जरूरत होती है, कहाँ लोगों को भेजना है, वे एक दूसरे से संपर्क में सब लोग हैं। और ये ना आंदोलन खत्म होगा ना देश आंदोलनकारी खत्म होगा, किसानों की जीत होगी और किसान सम्मान के साथ में यहाँ से वापसी जाएगा। भारत सरकार से हमारे कहीं के किसान बातचीत करना चाहता है, सरकार अगर बात करनी है तो सरकार बात कर ले। और जो इशू है, जो मुद्दे हैं हमारे, वही हमारे मुद्दे रहेंगे, उन्हीं मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। वे बात कर ले ना आंदोलन खत्म होगा ना आंदोलनकारी खत्म होगा। राकेश जी के किसान क्रांति के गाजीपुर के लिए हमारे धोकरताल पर बैठे भाई, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारे बताए मैंने बैठी है, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। इसमें सब्र भी रखना है, इसमें धैर्य भी रखना है और इसमें चौकस भी रहना है। ऐसा गुंडा राज हम पहली बार देख रहे हैं। पुलिस तो हमला करती बहुत बार देखी, लेकिन सरकारी गुंडे हमला करते पहली बार देखे। गाजीपुर में हमला हुआ, घरौंडा में हमला हुआ, हमारा जो कुंडली बॉर्डर है वहां पे कल हमला हुआ, बता रहे हैं आज फिर हमले की तैयारी चल रही है। वो चाहते हैं कि हम भी उन पे वापिस हमला करें और एक तनाव की स्थिति पैदा हो, आपस में मारकाट मचे और आंदोलन किनारे रह जाए और दंगों में इसको बदल दिया जाए। लेकिन हमने फिर भी संतोष रखना है। कल जिन लोगों ने हमला किया, लाल किले में जिन लोगों ने किसान आंदोलन से गद्दारी की, उनकी वोट में अमित शाह से आ रही है, उनकी वोट में मोदी के साथ है। कल जिन लोगों ने वहां हमला किया, उनकी वोट भी नेताओं के साथ में है, उनकी वोट भी अमित शाह के साथ में। कल जिन लोगों ने वहां भट्टे मारे,
ये इससे बड़ी गुंडागर्दी देश में देखी नहीं जा सकती। कल हमारे एक दो भाइयों को उठा के ले गए हैं, पुलिस वाले उठा के ले गए, उनसे क्या व्यवहार किया है वो पता नहीं, अभी तक पता नहीं है कहाँ पे लापता है। और वहां के एसएचओ ने, खुद इलाके के लोगों को इकट्ठे किया, लोग नहीं आए, केवल चंद बीजेपी के कार्यकर्ता थे। किसान संघ का जो प्रधान है वो इकट्ठे करने में शामिल था, आरएसएस का जो ब्रांच है, किसान संघ ठेकेदार बढ़ते हैं किसानों के बीच। तो ये हाल तो हो रही है। और दूसरी तरफ हम बीजेपी को चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर कोई उनमें और जोर बाकी है आंदोलन को तोड़ने का, अगर उनके पास कोई और सियासत बाकी है आंदोलन को तोड़ने की, अगर उनके पास और घटिया से घटिया षड्यंत्र है आंदोलन को तोड़ने का, तो वो सारा जोर लगा ले, लेकिन आंदोलन के पास से भी टूटेगा। समझ नहीं रहे वो लोग, समझ नहीं रहे ये लोग, ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, ये किसी प्रधान का खड़ा किया हुआ नहीं है, ये तो उस मालिक का संदेश है, समझ लेना चाहिए जब सारा देश ग्राउंड पे आ गया। समझ नहीं रहे वो लोग, आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं, किसी मेले में चले जाएं, हर चीज का रेट सोया हो जाता है, लेकिन ये वो तीर्थ है, चाहे गाजीपुर तीर्थ कह लीजिए, चाहे कुंडली तीर्थ कह लीजिए, चाहे टीकरी तीर्थ कह लीजिए, जहां सारा सामान फ्री है। और एक और गलती सरकार ना करे, सरकार सोचे कि शायद यूपी वाले भाई अलग है, सरकार कहीं गलती ना करे कि शायद टिकट अलग है, हम हरियाणा के भी जान देने के लिए तैयार है यूपी वालों के लिए। किसी मुकालते में आ रहे सरकार, जब हमें पता चला कि टीकरी के गाजीपुर में ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, उसी वक्त हमने वीडियो डाल दी थी। और मैं हरियाणा के भाइयों को सलूट करना चाहूंगा, जो रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भारी धुंध के बावजूद जिन्होंने गाजीपुर की तरफ कूच किया, उत्तर प्रदेश के भाई, रात को गाजीपुर की तरफ चल पड़े और आज ये देख रहे हैं। हम कहते हैं अगर बीजेपी में और दम है तो और पंगा लेकर देख ले, जितना जोर लग पड़ता है बीजेपी वाले लगा ले, जितना जोर लग पड़ता है सरकार लगा ले, कभी ये कहे हमारे में जोर बाकी रह गया था, हमने लिहाज कर दी थी। हम ज्यादा दिल्ली में धरके रखे आए लड़ने के लिए, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, शहीदियां प्राप्त कर सकते हैं या वापिस नहीं जाएंगे हम लोग। T5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।